नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। फेस्टिवल टाइम चल रहा है, दिवाली आ रही है, मिठाई तो ज़रूर चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही आसानी सी मिठाई की रेसिपी लेके आ गई हूँ। नारियल और मिल्क पाउडर से बनी ये मिठाई की रेसिपी, बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं या प्रसाद के भोग में भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से अगर बनाएंगे तो ये मिठाई बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे नारियल के जो बाहर का आता है उसी में से मैं दो ले लिया है। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा नारियल यूज़ किया है। देखिए, प्रॉपर मेजरमेंट पे मैं 2:1 हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखिए, नारियल मैं दो जो बाहर का है वो खोल के हिसाब से दो ले लिया है, उसी के हिसाब से मैं उसका हाफ मैं यहाँ पर चीनी यूज़ करूँगी। देखिए, यही मेज़रमेंट में आप लोग जैसे ही मतलब जो जितना बनाएंगे आप लोग के क्वांटिटी के हिसाब से यही हिसाब रखना तो बहुत ही अच्छा बनता है ये मिठाई। देखिए, मैंने चीनी भी इसके साथ मिला लिया है। अभी क्या करना है, हल्के हाथों से इसे ऐसे मैश करते जाना है जब तक चीनी अच्छी तरह से इसके साथ मिल ना जाए और थोड़ा सा पिघल ना जाए। इसी तरह से इसको स्मैश करते जाना है। 5 से 7 मिनट तक इस तरह से करेंगे तो चीनी देखिए काफ़ी तरह से गल जाएंगे। इस तरह से करेंगे तो ये मिठाई खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, कितना सॉफ्ट भी हो चुका है और चीनी काफ़ी गल चुका है, थोड़ा सा पानी पानी सा हो चुका है। देखिए, कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से आप लोग 5 मिनट करेंगे तो इसी प्रोसेस से हो जाएगा तुरंत। और चीनी अगर बहुत बारीक सी होती है जल्दी हो जाता है। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी उसी गर्म कढ़ाई में मैं जो मिक्स बना के रखी थी वो डाल दिया। गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि इसी स्लो फ्लेम पर हमें ये मिठाई बनानी है। इसे इसी तरह से चलाते जाना है, चीनी और भी मतलब इसके साथ पिघल के मिल जाएंगे। देखिए, अभी मैं यहाँ पे 2 इलायची दे रही हूँ, आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसको चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे जल के लाल हो जाने का चांस रहता है, इसीलिए इसको बीच बीच में ऐसे चलाते जाना है। 7 से 8 मिनट इस तरह से चलाने के बाद देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है और इसको थोड़ा सा ड्राई भी बनानी है, नहीं तो जब हम लोग मिठाई बनाएंगे उसमें जो चिपक होना चाहिए वो नहीं आएगा। देखिए, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है और चीनी पूरा पिघल चुका है और इसमें एक चिपचिपापन आ गया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं 3 चम्मच बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, अभी मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से नारियल के साथ मिला लेना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है कि मिल्क पाउडर का लम्स इसमें बिल्कुल ना रहे। इसी तरह से चलाते जाना है। गैस का फ्लेम अभी भी स्लो ही रखना है, ये पूरा प्रोसेस स्लो गैस पर ही करना है। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे। मिल्क पाउडर डालने से ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। अभी क्या करना है, इसमें मैं 1 चम्मच लिक्विड मिल्क ऐड करूँगी। इससे क्या है, जो हम लोगों का बाइंडिंग के लिए जो चिपचिपाहट जरूरी है वो इसमें बहुत ही अच्छा आ जाते हैं। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से अभी हम लोग थोड़ा चेक कर लेंगे कि इसमें चिपचिपाहट आए हैं कि नहीं, कि हमारे मिठाई अच्छी बनेंगे कि नहीं। और 1 मिनट में इसको इस तरह से चला लूँगी, फिर से मैं एक बार इसको चेक करूँगी। देखिए, ये बन चुका है। अभी इसको हम लोग लड्डू भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये पूरा चिपचिपाहट आ गया है इसमें। चलिए, इसको गैस से उतार लेते हैं। अभी मैं एक प्लेट ले लिया है, इसमें जो नारियल का मिक्सचर बनाया है वो डाल दूंगी मैं। इसे गरम गरम ही पकाना है, नहीं तो सूख जाएंगे तो इसमें बाइंडिंग नहीं होगा। इस तरह से पहले इसको इकट्ठा एकदम करके, थोड़ा गरम बहुत ही ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान से करना। देखिए, अभी क्या करना है, मेरे पास एक मोल्ड है, आप लोग इसके लड्डू भी बना सकते हैं या किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। देखिए, ऐसे लेके मोल्ड में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, नहीं तो बिना लगाए भी बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि नारियल से तो एक तेल निकलता है ना। देखिए, ये बन चुका है। जो भी शेप आपको देना है उसी ही शेप से आप लोग बना लेना, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कॉमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। देखिए, इस तरह से मैं बनाती जाऊंगी एक के बाद एक, कितने आसानी से इसमें से निकलता आ रहा है। देखिए, मेरा सारे बन चुका है और जितना टाइम जाते रहेंगे ये टाइट भी बहुत ना अच्छा हो जाएगा। इसको बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताना।